हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्व के लिए डेट शीट आ चुकी है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं जो आपका डेट शीट है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो होने वाला है इंग्लिश का, तो आप लोग अपने पहले से ही इंग्लिश की तैयारी में लग जाइए, जो कि आपका होने वाला है 6 मई को। कब होगा? 6 मई को आपका होने वाला है इंग्लिश की एग्ज़ाम, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट अगला चलते हैं तो आपका सीधा यहाँ से अब कोई नहीं है, अब सीधा इसके बाद अगला जो होगा आपका एग्ज़ाम वो होगा 10 मई को, जो कि आपका हिंदी कोर्स भी यानी जो कोर्स ए वाले हैं उनका कोर्स ए का होगा, और कोर्स जो कोर्स बी में है उन कोर्स बी का होगा, जो कि होगा वो 10 मई को। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये कोर्स भी आपका हिंदी का हो जाएगा। इसके बाद अगला जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सीधा यहाँ पर 6 तारीख को आपका हो गया इंग्लिश, 10 तारीख को आपका हो गया हिंदी, फिर सीधा आपको होने वाला है 15 तारीख को, यानी 5 दिन का गैप। इसमें आप साइंस की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं 5 दिन में। यहाँ पर आपको सैटरडे को जो, ठीक है, आपको यहाँ पर साइंस थ्योरी साइंस प्रैक्टिकल जो भी होगा वो आपको 15 मई को सैटरडे को हो जाएगा। उसके बाद जो आपका अगला होने वाला है वो होगा आपका मैथमेटिक्स का, जो कि 21 मई को होगा, ठीक है। इसमें भी आपको 6 दिन का गैप मिलेंगे, इसमें आप आराम से तैयारी कर सकते हैं मैथमेटिक्स की, जिनका स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड के लिए, जिनका बेसिक है बेसिक के लिए। तो आपके 4 इसमें मेन सब्जेक्ट इसमें हो चुके हैं, और आपका जो अगला एग्जामिनेशन होगा वो होगा सोशल साइंस का। सोशल साइंस आपका होगा बृहस्पतिवार को, यानी थर्सडे को, 27 मई को। इसमें भी आपको 6 दिन का गैप मिलेंगे, ठीक है। 6 दिन के गैप में आप अच्छे से सोशल साइंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये 5 मेन सब्जेक्ट हो गए, और अगर आप लोगों ने कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया होगा संस्कृत, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको 2 जून को, ठीक है, वेडनेसडे को आपको 2 जून को संस्कृत का आपको एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसने ऑप्शनल लिखा है। और किसी ने आप लोगों ने से कोई भी कई सारे लिए होंगे कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के भी एग्ज़ाम आपको 7 जून के होंगे, ठीक है, 7 जून को आपको होंगे कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर की भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए मेन 5 सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि कंप्यूटर हो या फिर संस्कृत हो। और ये आपका यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, जो कि आपको दिए बताए होते हैं कि क्या होते हैं उस टाइम, 15 मिनट का टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए, वे यही सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब आपके हो गए क्लास टेंथ के, और अब आपको दिखाता हूँ मैं क्लास ट्वेल्थ का डेट शीट, ठीक है। तो ये है आपका क्लास ट्वेल्थ का डेट शीट, ठीक है। आपका जो पहला एग्ज़ाम होने वाला है इसमें भी ट्वेल्थ का भी, वो है इंग्लिश का, लेकिन अगर आप बात करें क्लास टेंथ की, तो आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा वो होगा 6 तारीख को, 6 मई को, और जो आपका ट्वेल्थ वाले जो हैं उनका एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का 4 मई को, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंग्लिश एग्जीक्यूटिव इंग्लिश कोर, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट हैं आपके, वो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा 4 मई को। फिर यहाँ पर 5 मई को आपके काम करना ही है। फिर अगर आप 8 मई को आते हैं, 8 मई को, तो उसमें आपका फिजिकल एजुकेशन का अगर आपके पास कोई बुक है उसका एग्ज़ाम होगा, जो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। और अगला जो एग्ज़ाम है आपका फिर होगा एक ही बार बिजनेस स्टडीज़ वाला, यहाँ पर 12 मई को है, ठीक है, जो कि वेडनेसडे को आपका होगा पहले, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आपका अगला एग्ज़ाम जो होगा वो होगा फिजिक्स का, फिजिक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 13 मई को, जो कि होगा, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप सारे डेट्स आप अपने आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसका पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो अकाउंटेंसी, जिन बच्चों ने अकाउंटेंसी ले रखा है वो यहाँ से उनका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 17 मई को। कब होगा? 17 मई को आपका अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम 18 मई को है, 18 मई वाले जो हैं वहाँ पर 18 मई को उनका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है आर्ट्स वाले, उनका है 19 मई को, ठीक है। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी आ जाता है सीधा 24 मई को, जो कि मंडे को है, ठीक है, मंडे को यहाँ पर आपको ये हो जाएगा। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 25 मई को, यहाँ पर ज़्यादातर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ट्वेल्थ वाले में, क्योंकि एक एक दिन का गैप लिया गया है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग देखना है, पढ़ाई करना है। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगा 25 मई को, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पर फ्रेंच आपके काम करनी है, सोशियोलॉजी, जिन लोगों ने सोशियोलॉजी ले रखा है वो आपका एग्ज़ाम होगा फ्राइडे 28 मई 2021 को, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका, हाँ, इस तरह से आप लोगों ने इंग्लिश इरेक्टिव इंग्लिश कोड लिया, उसी तरह से आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम होगा वो होगा 31 मई को, 31 मई 2021, ठीक है, यानी मई के सबसे लास्ट डेट को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, ठीक है। और मैथमेटिक्स तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो है आपका
फर्स्ट जून यानी पहला जो जून है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसका जिन लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स उनका याद रहेगा 1 जून को मेरा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है वो 2 जून को है, ठीक है, ज्योग्राफी जो है वो 2 जून को है। फिर अब अगर आगे बढ़ते हैं तो साइकोलॉजी भी आ जाता है, साइकोलॉजी जिन लोगों ने रखा है उनका एग्ज़ाम होगा 5 जून को, ठीक है। होम साइंस, जिन लोगों ने होम साइंस ले रखा है उनका एग्ज़ाम होगा 7 जून को, यानी 5 जून के बाद, अगर 2 दिन के साइकोलॉजी के जस्ट 2 दिन बाद आपका होम साइंस का एग्ज़ाम होगा। फिर अगर आगे आते हैं तो यहाँ पर आपका कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, फिर यहाँ पर आपका हिस्ट्री आ जाता है, हिस्ट्री हो गया आपका, वो आपका होगा 10 जून को, ठीक है, 10 जून को आपका है हिस्ट्री का एग्ज़ाम। और यहाँ पर आप लोगों का जो डेट शीट है यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं जो कि आप लोगों को पता ही होते हैं क्या होते हैं इसमें। यहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है 10 बजे से 10 के बीच में आपको डेट शीट प्रोवाइड की जाएगी, आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट टाइम दिया जाएगा, ठीक है, और 2 बजे से 2:15 के बीच में कॉपी ले लिया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो डेट शीट मैंने प्रोवाइड किया है आप लोगों को, और इसे आप लोगों ने लोड कर लिया होगा, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो इसका PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले, कोई आपको CBSE की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलते हैं बाय।